नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक कोट मशरूम फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी फरस की, और फरस का आप कंप्लीट हो गया है वीडियो। तो अब उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि भाई आगे जो वीडियो आएगा वो पैनल का आएगा, तो ये वीडियो हमने पैनल का डाला है और ये पैनल लोड हो रहे हैं। जहाँ से हमने लिए थे पैनल, ये वहीं का वीडियो है और ये वहीं लोड हो रहे हैं। हमने खुद जाके वहाँ पर ये पैनल देखे थे पहले, फिर बात की और फिर हमने खुद ही लोड कराए थे वहाँ जाके। तो ये लोड हो रहे, ये हमने हरिद्वार से लिए हैं ये पैनल, और ये पुराने पैनल है, सेकंड हैंड पैनल है, हरिद्वार से लिए हैं। और ये 100 mm के पैनल है। ज़्यादातर जो मशरूम फार्म है वो 60 mm के पैनल में मणते हैं, लेकिन हमने हमारा क्योंकि फार्म ये जो मणे गए रूम ये ओपन में रहेगा, इसलिए हमने 100 mm के पैनल लिए हैं कि भाई अपनी धूप से अच्छी तरह से इसमें हीट अंदर ना आए, क्योंकि 60 mm का थोड़ा कम होता है। तो ये 100 mm के हैं कि अपने ज़्यादा ये सुरक्षा कर लेंगे धूप की, धूप अंदर नहीं आएगी। जब धूप अंदर नहीं आएगी या अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा अंदर का, तो अपनी एसी ये कम बिजली खाएगा, खपत बिजली की कम होगी, अपना बिजली का बिल कम आएगा, तो उतनी बचत वैसे हो जाएगी। फिर ये एक बार लगने हैं, बार बार ये लगेंगे नहीं, भाई बार बार का कोई काम है, एक बार लग गए जो लग गए। और ये पुराने हैं, अब ज़्यादातर लोग नए भी लगवा रहे हैं कि नए लगवाते हैं, लेकिन पुराने ले लो चाहे नए ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस फ़र्क इतना है कि आप ये टूटे फूटे ना हो, पैनल में ज़्यादा जोड़ ना आए, छोटे छोटे ना हो भाई, या फिर बीच से टूटा हुआ ना हो, साफ पैनल हो। तो पुराना हो चाहे नया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, थोड़ा सा बस ये है कि पैनल देख ले साफ़ सुथरा हो, वो आप जाके देख सकते हो उस चीज़ को। तो ये हमने पहले जाके देखे थे और ये साफ़ सुथरे पैनल है। इसके अलावा हमने अपनी ट्रेनिंग है वो कल 6 तारीख से शुरू कर दी है, 6 तारीख से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 6 सितंबर से। और कुछ भाइयों का फ़ोन आ रहा था कि वो कह रहे थे कि हम इस बैच में आप ट्रेनिंग पे नहीं आ पाएंगे, तो अगला बैच कब है? अगला बैच अपना 27 सितंबर को रहेगा, जो दूसरा बैच या अगला बैच मानो उसको 27 सितंबर को स्टार्ट रहेगा। 27 सितंबर से ही ट्रेनिंग होगी, वही 3 दिन की ट्रेनिंग रहेगी। जिसको भी जो 22 में ना पहुंचे वो अपने 27 तारीख को आ सकते हैं। उसके अलावा हमने कंपोस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है, जिस भी भाई को अगर कंपोस्ट चाहिए वो ले सकता है। अपना ऑर्डर पहले बुक कराना पड़ेगा, उसके बाद उसको कंपोस्ट दिया जाएगा। हैंड टू हैंड ये कंपोस्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि बनाने में 17 दिन नॉर्मल लगते हैं, 17 से भी 20 दिन लग जाते हैं, 3-4 दिन भिगोने में लग जाते हैं, 15 से 17 दिन का प्रोसेस तो बंकर और टनल का ही हो जाता है, तो अपना 20 दिन लग जाते हैं। तो कम से कम 20 दिन पहले ऑर्डर देना पड़ेगा जो भी भाई लेना चाहे। कंपोस्ट का आधा एडवांस देना पड़ेगा और आधा आप लेते वक्त। ये पैनल 100 mm के हैं, ये हरिद्वार से लिए हैं हमने, सेकंड हैंड है, और ये अब लोड हो रहे हैं। ये रात को लोड हुए थे और ये गाड़ी सुबह निकली थी, सुबह हम भी सुबह ही आए थे, रात को वहीं रुके थे और सुबह हम आए थे। तो ये 100 mm के पैनल हैं। जो भी भाई मशरूम फार्म बनाना चाहता है, अगर किसी का शेड के नीचे है, कोई भी शेड है अगर उसके नीचे है, तो 60 mm में बना सकता है, या भाई जिस पे ज़्यादा धूप नहीं आती हो तो वो 60 mm बना सकता है। मरने को तो 60 mm नया पैनल है या पुराना है, 60 mm में वैसे भी मर रहे हैं, बस लीकेज ना रहे वो पैनल कहीं से। ज़्यादातर भाई ये क्या है कि पुराने पैनलों में लीकेज का डर होता है, अगर वो लीकेज हो रहे हैं तो एसी टेम्परेचर तोड़ेगा ही तोड़ेगा, और अगर एसी टेम्परेचर तोड़ेगा तो सपोज सीधी सी बात है कि एसी ज़्यादा चलेगा, क्योंकि अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एसी फिर चलेगा, ऑटो कट मारेगा ही नहीं, मारेगा चलेगा, तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा। बस ये पुरानों में ये डर होता है, लेकिन अगर साफ़ सुथरे पैनल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराने लगाओ, क्योंकि इनमें थोड़ी कॉस्ट अपने कम आती है। अब इनमें हमारे कॉस्ट कम आई है, एक तो 100 mm का पैनल लग गया, कॉस्ट भी कम आई। भाई 60 mm का पुराना लगा ले, हमने 100 mm का 60 mm का मान लो नया लगाते, हमने 100 mm का पुराना लगा दिया, अगर उसी कॉस्ट में लगता है तो कहाँ दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं। तो ये पैनल हमने हरिद्वार से लिए हैं। किसी भाई को अगर पैनल भी चाहिए हो तो हमसे संपर्क कर सकता है, अगर हमारी नज़र में कोई होगा तो हम बता देंगे, या हम उनको नंबर दे देंगे, डायरेक्ट अपनी बात कर सकता है वो पैनल वाले से।
या एसी वाले के चाहिए तो एसी वाले को भी हम व्यवस्था करा देंगे, किसी को टनल बंक करके ब्लोअर वगैरह मशीनरी वगैरह जो चीज़ भी चाहिए वो हम उपलब्ध करा देंगे, हमसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।